हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूं फिर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेला के फायदे के बारे में बात करेंगे। करेला के बारे में कौन नहीं जानता, करेला अपने गुणों से प्रसिद्ध है। ये स्वाद में बहुत कड़वा होता है। दोस्तों, ये स्वाद में कड़वा होता है लेकिन अपने पौष्टिक और औषधीय गुणों से सबसे प्रसिद्ध है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में बहुत कड़वा होता है और वात कारक तथा भेदन, तिक्त और शीतल प्रकृति का होता है। यह पचने में हल्का, पित्त कारक, कफ, पांडु और व्रण तथा कृमि का नाश करता है। यह श्वास, काश और प्रमेह तथा कुष्ठ रोग में बहुत लाभकारी होता है। यह ज्वर को मिटाता है और डायबिटीज में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश के अनुसार करेला बहुत शीतल होता है। यह मलभेदक, दस्तावर, पचने में हल्का और कड़वा तथा वात कारक होता है। इसके अलावा यह ज्वर, पित्त, कफ और रक्त विकार का शमन करता है। यह पांडु रोग और प्रमेह तथा कृमि को मिटाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं करेला सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सिर दर्द की समस्या होने पर करेला का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सिर दर्द की समस्या होने पर करेला के ताजे पत्तों का रस 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में मिलाकर गाय के घी और पित्त पापड़ी का रस के साथ मिलाएं और इसका लेप लगाएं। इससे सिर दर्द शीघ्र ही मिटता है। दोस्तों, इसके ताजे पत्तों का रस निकालें। अगर पत्ते न मिले तो इसके फलों का रस निकालकर हल्का गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है। अब इस रस में बड़ी हरड़ को घिसकर मरीज को पिलाएं। ये प्रयोग कम से कम 12 से 15 दिनों तक करने से कामला रोग अवश्य मिटता है। दोस्तों, इसका प्रयोग जलोदर में भी किया जाता है। जलोदर यानी पेट में पानी भरने की समस्या। अगर किसी को भी ऐसी समस्या है तो करेला के 10 से 15 मिलीलीटर ताजे पत्तों का रस निकालें और इसके साथ शहद मिलाकर पिए। इससे जलोदर रोग में अवश्य ही फायदा होता है। दोस्तों, ये पथरी में भी बहुत लाभकारी होता है। पथरी की समस्या होने पर करेला के ताजे और हरे पत्तों का रस 30 ग्राम की मात्रा में निकालें और साथ में 15 ग्राम दही मिलाएं। दोनों को मिलाकर मरीज को पिला दें। ऊपर से 50 ग्राम छाछ पिला दें। दोस्तों, ये औषधि 3 दिनों तक ही पिलाएं, फिर 3 दिन तक बंद करें। 3 दिनों के बाद फिर से ये प्रयोग शुरू करें और 4 दिन तक पिलाएं, फिर से दवा बंद करें और तीसरी बार 5 दिनों तक बढ़ाएं। दोस्तों, इस औषधि के प्रयोग के दौरान पथ्य में केवल खिचड़ी और चावल का ही सेवन करना चाहिए। इस प्रयोग से पथरी अवश्य ही पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इसके पत्ते इतने गुणकारी होते हैं कि इसका रस निकाल कर पीने से आंतों के कीड़े तक मर जाते हैं। दोस्तों, करेला मधुमेह के रोगियों के लिए अमृत के समान काम करता है। ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है और इंसुलिन के स्त्राव को बढ़ाता है। करेला की सब्जी बनाकर रोजाना खाने से मधुमेह में बहुत फायदा होता है। इसके अलावा करेला के फलों को साव में सुखाकर इसका चूर्ण बनाए। अब इस चूर्ण को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में शहद या पानी के साथ रोजाना सेवन करने से डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। इस प्रयोग से खून साफ हो जाता है। दोस्तों, इसके पत्तों का रस निकालकर दांत पर लगाने से दांत में बहुत फायदा होता है। इसके अलावा करेला के पत्तों को पीसकर इसका लेप सिर पर लगाने से सिर की फुंसियाँ मिटती है। दोस्तों, करेला की प्रकृति बहुत शीतल होती है। अगर किसी को पैरों में तलवों की जलन रहती है तो ऐसे में करेला के ताजे पत्तों का रस निकालकर इसका लेप बनाकर तलवों पर लगाए। इससे तलवों में होने वाली जलन शीघ्र ही मिटती है। दोस्तों, करेला महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इसके ताजे पत्तों का रस 20 ग्राम की मात्रा में निकालकर पानी में उबालें, फिर ठंडा होने के बाद प्रसूता स्त्री को पिलाएं। इससे दूध अधिक बढ़ता है और खून साफ होता है। आयुर्वेद में करेला का उपयोग चर्म रोगों में भी किया जाता है। इसके ताजे पत्तों का रस 10 से 15 मिली की मात्रा में निकालें, साथ में थोड़ी हल्दी मिलाकर दिन में 3 बार पिलाएं। इससे कई प्रकार के चर्म विकार नष्ट होते हैं, साथ में चेचक और खसरा भी मिट जाते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।